इधर का उधर हो गया था, इधर का उधर हो गया था और लाइट थी नहीं, तो वापस सुबह अपने फेरे हुए तो बाहर आए। बाहर आने के बाद में यहाँ देखा तो के लड़की और लड़का दोनों अलग अलग हैं। यूं तो बिजली कटौती के कारण आपने अब तक कई समस्याएं देखी होंगी, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि बिजली जाने के कारण दो लोगों की दुल्हनी ही बदल गई हो? सुनकर भले ही अजीब लग रहा है, लेकिन ये सच है। एमपी के उज्जैन में ऐसा अनोखा मामला सामने आया है। दरअसल एक ही परिवार की तीन बेटियों को लेने आए दूल्हों की दुल्हनें बत्ती गुल होने से अचानक बदल गईं। वो तो गनीमत रही, वक्त रहते बिजली आ गई, वरना दुल्हन किसी और दूल्हे की हो जाती। ये बात खुद बारात लेकर आए लड़के के पिता, लड़की का भाई और गांव के पटेल ने कही। तीनों की बात सुनकर हर कोई हैरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि इसका जवाब भी हमने लिया तो पता चला कि बेटियों ने एक जैसी ड्रेस पहन रखी थी। गांव में घूंघट प्रथा है तो कोई समझ ही नहीं पाया और पूजन के लिए बेटियों को इधर उधर बैठा दिया। जैसे ही लाइट आई तो हर कोई इस दृश्य को देखकर दंग रह गया और बात अफवाह की तरह फैल गई कि दुल्हा दुल्हन बदल गए। लेकिन सच यही है कि दुल्हा दुल्हन सिर्फ पूजन के वक्त बदले, फेरे के वक्त लाइट आ गई और बेटियों को उन्हीं के दूल्हों के साथ खुशी खुशी विदा किया गया। तोरण वोरण मारा हमने और दुल्हन दूल्हे को अंदर ले गए और वहाँ बिठाए उनको। बिठाने के बाद में यह हुआ कि हमारे परंपरा जो है वो घूंघट निकालने की है, तो दूल्हा इधर का उधर हो गया था और लाइट थी नहीं, तो वापस सुबह अपने फेरे हुए तो बाहर आए। बाहर आने के बाद में यहाँ देखा तो कि लड़की और लड़का दोनों अलग अलग हैं, तो वापस फेरे वो पहले देख लिया था वैसे मेरा हमने कि फेरे नहीं हुए थे उनके, और फेरे तो सही साठ ही हुए उनके। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपने हफ्पा फैला रखी है कि बोले कि फेरे इधर से उधर हो गए ने, लाड़ी चेंज हो गई ने, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर बाद में लाइट गई, उसके बाद क्या हुआ? फिर वापस फिर आप लोगों ने वो सुबह हमने देखा, जैसे तो रात में देख लिया था हमने कि दूल्हा दुल्हन वो तो रात में हो गए थे, ऐसे क्या आगे पीछे हो गए थे उनका जी। हाँ, वो चौरी में आने के बाद में उनको जहाँ थे वहीं बिठा दिए थे। तीनों की ड्रेस एक जैसी थी क्या, दुल्हनों की? हाँ, तीनों की ड्रेस एक जैसी थी, इस कारण थोड़ा सा कंफ्यूजन। हाँ, इस कारण कंफ्यूजन हो गया। जा आई थी हमारे नाना के। फिर क्या हुआ? दोनों बारा धानते लगी आई थी, वो यहाँ कहीं अंधारा में कोई आमा बह गया और पाछा फेरा में देखा तो सही साठ। तो फिर बाद में सब सही साठ। हाँ, फिर हमारा पाछा समझो तो भी वही गया, सब वही गया, हमें कोई लड़िया झगड़ा कहीं भी। गनीमत रही कि उस वक्त तक दुल्हनों और दूल्हे के फेरे नहीं हुए थे। विवाह करवा रहे पंडित को जब पता चला तो उन्होंने फिर विधि विधान के साथ तीनों बेटियों को अपने अपने दूल्हे के साथ फेरे दिलवाए और परिवारजनों ने राजी खुशी अपनी तीनों बेटियों को सही दूल्हे के साथ विदा किया। अगर दुल्हन एक्सचेंज हो जाती तो बवाल हो जाता। उज्जैन से विशाल ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।